चलिए सर, आप सबसे फर्स्ट में अपना राउटर को होम गेटवे खोल लीजिएगा और उसके बाद हमें नेटवर्क वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और नेटवर्क वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर वायरलेस 2.4 GHz लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करिएगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, आप सभी इनके देख रहे हैं। तो हमारा SSID 1 है फिलहाल इनेबल, संतोष पुराना ऑफिशियल। तो आप SSID 2 पर क्लिक करिएगा, आपका नेम रखना है वो रखिएगा। और आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर SSID जो कि डिसेबल है ना, इसे आप इनेबल करिएगा सबसे पहले, क्योंकि आप इनेबल कर रखना चाहते हैं तो इनेबल करिएगा। और उसके बाद ब्रॉडकास्ट है ना, ब्रॉडकास्ट भी इनेबल रहने दीजिएगा, इसे आप डिसेबल नहीं करिए। इनेबल रहेगा तो आपका मोबाइल में शो करेगा, तब आप यानी कि इनेबल करिएगा SSID को। और यहाँ पर दोनों इनेबल कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये SSID हमारा इनेबल हो जाएगा। ठीक है, आप ये इनेबल SSID इनेबल रखिए और SSID ब्रॉडकास्ट भी इनेबल रखिए, आपका हर एक कुछ हो जाएगा। उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए SSID 1 में क्या होगा, यहाँ पर दोनों में इनेबल है तो हमारा शो कर रहा है। प्लीज़ आप दोनों में इनेबल रखिएगा और उसके बाद सेव कर दीजिए, हो जाएगा।